अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं खान एनसीपी मोटर यूसुफ आगा और आज आप लोगों के लिए एक नई गाड़ी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी गाड़ी और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो मैं डेली बेसिस वीडियो अपलोड करता हूं आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मैं डेली बेसिस में अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, जो गाड़ी आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं उसकी सबसे पहले आप लोगों को मैं एक मॉडल वेरियंट बताता हूँ। आज की गाड़ी जो है वो जापान की मैनुफेक्चर है, टोयोटा कंपनी की है, करोला। अच्छा, करोला कौन सी करोला? इसमें एक जी आती है और एक एक्स करोला आती है। आज जो गाड़ी है वो है एक्स करोला है, जो कि 2005 मॉडल है और सिल्वर कलर की गाड़ी है। और इसमें अच्छा, इसमें दो किस्म की आती है। इसमें मिसाल वैसे तो एक्स करोला में एक्स भी आती है और जी करोला भी आती है। और फिर इस जो नए शेप में मिसाल ये जो चार पांच छह मॉडल है इसमें एक्स और जी तो अलग आती है, फिर एक्स में हाफ 14 आती है, सादी हाफ आती है, सादी आती है, फुल 14 आती है। लेकिन जो आज गाड़ी है वो ना फुल 14 है ना हाफ 14 है, बिल्कुल एक्स करोला है। और इसमें फिर इसके इंटीरियर के हवाले से आप लोगों को बताता हूँ, इसमें फिर दो किस्म की आती है। अच्छा, वो आप लोगों को एक ये चीज आप लोगों को बताता हूँ, चलो इंटीरियर दो किस्म, येलो कलर की आती है और ब्लैक कलर का था। लेकिन आज की जो ये गाड़ी है ये ब्लैक कलर के इंटीरियर में, येलो में नहीं, ये ब्लैक कलर के इंटीरियर में। तो दोस्तों, गाड़ी की हर एक चीज आप लोगों को अलग अलग बताता हूँ। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बॉडी के हवाले से आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलो गाड़ी की बॉडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल प्यारी और साफ सुथरी गाड़ी है। अच्छा, बॉडी में जो कलर है वो टोटल गाड़ी की जो बॉडी है वो टोटली शावर है। टोटली गाड़ी का जो बॉडी है वो टोटली शावर है, इसमें कलर हुआ है। मिसाल ये एक दो पीस इसमें जो कलर वो जीनियन होगा, बाकी टोटल बॉडी जो है वो शावर हो चुकी है, सिल्वर कलर है। इसमें जो स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाती है, इस वजह से जो है इसको शावर कर दिया गया। तो बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारे कंडीशन में, 2005 मॉडल है और कोई वो नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। मिसाल बिल्कुल फ्रेश लग रही है बॉडी, मिसाल फ्रेश नहीं है गाड़ी तो चली हुई गाड़ी, बल्कि मिसाल इस वजह से जो है मगर ये जो है फ्रेश लग रही है। साइड व्यू भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल साफ सुथरी है, मिसाल टोटल गाड़ी में कोई स्क्रैचेस भी नहीं, सिल्वर कलर की टोटल गाड़ी जो है वो, बाकी कंडीशन जो गाड़ी का है वो जीनियन है, बाकी गाड़ी का जो कंडीशन है वो जीनियन है। बैक साइड भी जो है ना वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बैक साइड आप देख सकते हैं टोटली, आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो भी दिखा दूंगा, बैक साइड भी इसकी साफ सुथरी इसकी अपनी इसमें। अच्छा, ये जो है 2003 और 2004-05-06 में बिल्कुल चेंज हो जाती है, इसकी बैक लाइट चेंज हो जाती है, फ्रंट लाइट चेंज हो जाती है, गाड़ी हल्की सी चेंज हो जाती है, फ्रंट से हल्का सा यूं उड़ जाता है, लेकिन 2003 का हल्का सा फ्रंट जो है वो थोड़ा सा यूं नीचे हुआ होता है। तो ये तो मिसाल 2003 और 04 में यहाँ पे डिफरेंस शुरू हो जाए, 3 की अलग होती है, 4 की अलग होती है, लेकिन ये 2005 मॉडल है। बाकी गाड़ी का कंडीशन बहुत प्यारा और बहुत अच्छा कंडीशन है, सिर्फ इसका जो फ्रंट का स्क्रीन है, फ्रंट का जो शीशा है उसमें क्रैक है, बाकी टोटल गाड़ी में कोई ऐसी बात नहीं है। और गाड़ी जो है उसमें रिम वगैरह नहीं लगे हुए, व्हील और टायर लगे हुए, व्हील और टायर की कंडीशन भी अच्छी है। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के हवाले से आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलो गाड़ी का जो इंटीरियर है आप लोगों को मैंने बता दिया, इसमें एक येलो कलर का इंटीरियर आता है और इसमें एक ब्लैक कलर का इंटीरियर आता है। ये ब्लैक कलर के इंटीरियर एक्स करोला है, 2005 मॉडल है और टोटली ब्लैक इस तरह नहीं कि प्योर ब्लैक। अच्छा, गन मेटेलिक, डार्क गन मेटेलिक इसमें कलर, इसके चाहे सीट्स हो, इसका चाहे डैशबोर्ड, टोटली इसी तरह। सिर्फ इसका जो रूफ आप देख सकते हैं, सिर्फ इसका जो रूफ है वो येलो कलर का है, बाकी टोटल गाड़ी जो है वो ब्लैक, मिसाल ये गन मेटेलिक कलर ब्राउन कलर में ये आई हुई है। तो गाड़ी का कंडीशन बहुत साफ सुथरा है, इसमें हल्का सा बेज यूज हुआ है, जहां पे ये इसका एसी का सिस्टम है और जहां पे इसके दरवाजे, यहाँ पे जो है हल्का सा बेज यूज हुआ है और मल्टीमीडिया है, स्टेयरिंग में मल्टीमीडिया है, डबल मीटर की इसका जो इंटीरियर वो डबल मीटर का, इसमें इसका डबल मीटर है इसमें, और चारों विंडो जो है वो तो करंट कंट्रोल ही है। बाकी कंडीशन जो है गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कंडीशन है। इंजन की तरफ चलते हैं, इंजन इसमें जो है 1500 सीसी इसमें इंजन आती है, 1500 सीसी इसमें इंजन है और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत इंजन है। इंजन में कोई काम नहीं, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में इंजन, पिक वगैरह बिल्कुल ओके है, कोई काम भी नहीं इंजन के हवाले से, कोई भी काम नहीं है। तो 1500 सीसी इसमें इंजन है और मिसाल इसमें 1300 जो है वो असिस्टा में आ जाती है, जो इसमें एक असिस्टा भी
आती है जो कि 1300 सीसी उसमें इंजन आती है, लेकिन वो लोग पसंद नहीं करते। ये 1500 सीसी मिसाल जो है लोग पसंद करते, चाहे 100 चाहे जी में लोग जो है ना 1500 ही पसंद करते। तो अब आप लोगों को मैं गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ, चलो उसके बाद आप लोगों को गाड़ी में टोटली जो है ना बाहर से आप लोगों को एक क्राउंड व्यू भी गाड़ी का आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका इंटीरियर, आप देख सकते हैं टोटली इसकी जो सीट है वो भी गन मेटेलिक कलर है, दरवाजे दरवाजों का कुशन और स्टेयरिंग, और यहाँ पे आप डैशबोर्ड भी देख सकते हैं वो भी जो है ना यहाँ पे डार्क यहाँ पे ब्लैक यूज हुआ है, और यहाँ पे जो है ना गन मेटेलिक कलर यूज हुआ है, आप देख सकते हैं गन मेटेलिक कलर यूज है। बाकी गाड़ी का कंडीशन जो है बहुत साफ सुथरा कंडीशन है, इसमें कपड़े वाले सीट है, लेदर नहीं है। लेदर जो है वो सिंगापुरी गाड़ियों में भी आती है, लेकिन मिसाल ये कि जैपनीज इसमें जो है ये ब्लैक सीटों में ही है, क्योंकि ये ब्लैक एडिशन वाली। इसमें एक जो आती है येलो कंडीशन, वो येलो वाली इससे थोड़ी महंगी होती, जो येलो इंटीरियर होता है वो ब्लैक के मुताबिक वो थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि लोग जो है वो येलो ज्यादा पसंद करते हैं, ब्लैक के मुताबिक जो है येलो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। एक्स करोला में लोग जो है वो येलो कलर पसंद करते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर है। तो ये इंटीरियर भी बिल्कुल साफ सुथरा, इसका जो रूफ है वो सिर्फ येलो कलर का, बाकी टोटली गाड़ी जो है वो मिसाल डार्क कलर में आई हुई है। तो ये आप लोगों को गाड़ी का, मैं आप लोगों का अभी प्राइस भी बताता हूँ। चलो ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी, 2005 मॉडल है, एक्स करोला है, इसमें 1500 सीसी इसमें इंजन है। तो ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए में आपको मिलेगी, जो कि नॉन कस्टम पेड है दोस्तों, नॉन कस्टम पेड आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए में, जो क्वेटा शेयर में खड़ी है। जिस भी बाइक को चाहे तो नीचे मेरा नंबर उसको मिल जाएगा, वहां पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर, थोड़ी डिटेल के साथ उसको मैं बता दूंगा कि गाड़ी की डिलीवरी का सिस्टम क्या है और पेमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो अभी चलते हैं गाड़ी बाहर से भी देखते हुए, चलिए तो बाहर से भी देखते हैं। दोस्तों गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी सिल्वर कलर में है, इसमें नीचे वाले पुटवारियां भी लगी हुई है। तो आप लोगों को मैं पहले राउंड व्यू दे देता हूं गाड़ी का, कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में। बैक साइड पे भी जो है ये पुटवारी लगवाई है, ये आप देख सकते हैं। मिसाल ये 2003 में जो फ्रंट की जाली है वो अलग आती है, फ्रंट के लाइट जो वो थोड़े अलग आते हैं, लेकिन इसमें जो है 2005 में ये चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं गाड़ी का कंडीशन जो है बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कंडीशन है गाड़ी का, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कंडीशन। इंटीरियर तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर भी दिखाता हुआ चलो। देखो इंटीरियर इसका टोटली जो है ना डार्क कलर है, टोटली जो इसका इंटीरियर है वो डार्क कलर की है, और जो है ना बैक लाइट्स में भी जो है ना बैक लाइट्स चेंज हो जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे रिवर्स के लाइट जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जो 3 मॉडल है वो उसकी जो है वो यहीं पे जो है ना रिवर्स के लाइट भी यहीं पे होते हैं, लेकिन जो इसमें जो है 5 मॉडल में रिवर्स के लाइट जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इंजन भी आप लोगों को मैं दिखाता हुआ चलूँ गाड़ी का, इसमें ये रहा इंजन बिल्कुल साफ सुथरा। इसमें इंजन है, कंडीशन आप इंजन रूम का देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो पड़ी है इसका इंजन, कंडीशन बिल्कुल ओके है गाड़ी का। यहाँ पे बैटरी पड़ी होती है, और ये रहा इसका फ्रेम नंबर। इंजन बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल कंडीशन में इसकी इंजन पड़ी हुई है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। तो अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।